नमस्कार, मैं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बजट सत्र शुरू होते ही शुरू हुआ हंगामा। अब घर बैठे बैठे उपलब्ध होगा जमीन का नक्शा। रामसूरत रॉय ने दिए संकेत। यूक्रेन में रह रहे बिहारवासियों को लाने की सरकार ने की अपील। बालू माफियाओं पर अब पुलिस की होगी नजर। बिहार के विकास को अब मिलेगी गति। अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बजट सत्र शुरू होते ही शुरू हुआ हंगामा। बिहार विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हो गई है, वही जिस बात की उम्मीद जताई जा रही थी वही हुआ। सत्र शुरू होते ही विपक्ष की तरफ से खूब हंगामा देखने को मिला। सत्र के दौरान आई जानकारी के अनुसार माले विधायक सत्यदेव राम ने राज्यपाल फागू चौहान के अभिभाषण के दौरान ही विरोध जताना शुरू कर दिया था। सत्यदेव राम अपनी सीट पर खड़े होकर विरोध जताने लगे। इस दौरान अन्य विपक्षी दल के नेता अपनी सीट पर ही रहे। यहां तक कि सीएम नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी इस दौरान एक दूसरे से बात करते देखे गए, जिसके बाद आज सत्र का पहला दिन समाप्त हो गया है। यूक्रेन में रह रहे बिहारवासियों को लाने की सरकार ने की अपील। रूस और यूक्रेन के बीच शुरू हुए तनाव के बीच बिहारी छात्रों को निकालना बहुत बड़ी चुनौती हो गई है। इसको लेकर बिहार सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है, जिसमें मौजूदा तनाव को देखते हुए सरकार ने कहा है कि यूक्रेन में रह रहे बिहारवासियों को स्वदेश लाने के लिए बिहार सरकार प्रयासरत है और बिहार के स्थानिक आयुक्त विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के निरंतर संपर्क में है। सरकार ने जानकारी दी है कि यूक्रेन में जारी वर्तमान संकट के मद्देनजर बिहार सरकार वहां रह रहे अपने सभी निवासियों को वापस लाने के लिए सभी प्रयास कर रही है। बिहार की स्थानिक आयुक्त श्रीमती पलका साहनी विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से निरंतर संपर्क में है और सभी आवश्यक प्रबंध किए जा रहे हैं। बिहार के कई जिलों में जारी हुआ येलो अलर्ट। ठंड की जैसे जैसे विदाई हो रही है, बिहार में मौसम भी अपनी अटखेलियां दिखा रहा है। आलम कुछ यूं है कि लोगों को बारिश का सामना करना पड़ रहा है। बीते दिन की बात करें तो बिहार की राजधानी पटना समेत कई जिलों में बारिश और कई जिलों में तो ओलावृष्टि भी देखने को मिली। वहीं आज भी कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार प्रदेश में अगले 24 घंटे तक इसी प्रकार की स्थिति बनी रहेगी। इसके साथ ही बिहार के कई जिलों में रात में मध्यम स्तर के बादल छाए रहने के साथ ही प्रदेश के दक्षिण पूर्व, दक्षिण मध्य, उत्तर पूर्व, उत्तर मध्य भागों के कुछ स्थान पर हल्की बारिश और मेघ गर्जन का पूर्वानुमान है। इसको लेकर मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने येलो अलर्ट जारी किया है। अब घर बैठे बैठे उपलब्ध होगा जमीन का नक्शा। रामसूरत रॉय ने दिए संकेत। वर्तमान में जमीन से जुड़े मामले और विवाद ने लोगों को सर्वाधिक परेशान कर रखा है। इसको लेकर राज्य सरकार तरह तरह की सावधानी और सुविधाएं भी उपलब्ध करवा रही है। अब जमीन का नक्शा हासिल करने में होने वाली परेशानी का अंत होने की उम्मीद है, क्योंकि जल्द ही बिहार सरकार ऐसी व्यवस्था करने जा रही है जिससे आप घर बैठे बैठे नक्शा हासिल कर सकेंगे। इसको लेकर मामूली शुल्क अदा करना होगा, लेकिन कार्यालय के चक्कर और कर्मचारियों के आगे पीछे करने की परेशानी से आप जरूर बच जाएंगे। इस व्यवस्था के लागू हो जाने के बाद लोगों का काफी समय भी बचेगा। कई तरह के विवादों से भी मुक्ति मिलने की उम्मीद है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत रॉय की माने तो राज्य के गांव, कस्बों और मौजों का राजस्व मानचित्र ऑनलाइन मंगाया जा सकता है। यह सेवा जल्द शुरू होगी। वहीं 534 राजस्व अभिलेखागार में 102 को आधुनिक कर डेटा केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। आज विधानमंडल में पेश हुआ बिहार का आर्थिक सर्वे। 28 को पेश होगा बजट। बिहार विधानमंडल में आज बिहार का आर्थिक सर्वे पेश कर दिया गया है, जिसके बाद 28 फरवरी को बजट पेश होने वाला है। वहीं आज से शुरू हुए विधानमंडल में दोनों सदनों को राज्यपाल फागू चौहान ने संबोधित भी किया। इसमें ही राज्य की आर्थिक उपलब्धियों और इससे जुड़ी सभी गतिविधियों का विस्तार से उल्लेख रहेगा। इससे पहले राज्यपाल फागू चौहान विधानमंडल के विस्तारित भवन के सेंट्रल हॉल में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते देखे गए। इसके बाद विधानसभा और विधान परिषद की अलग अलग कार्रवाई शुरू हो गई, जिसके बाद ही अब यह बजट सत्र 31 मार्च तक जारी रहने वाला है। इसको लेकर तैयारियां पहले ही पूरी कर दी गई है। सत्र के दूसरे दिन की बैठक 28 फरवरी को होगी। उस दिन ही वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट पेश किया जाएगा। बिहार कांस्टेबल भर्ती परीक्षा स्थगित होने की खबर झूठी। बीते दिन कई सोशल मीडिया साइट पर ऐसी खबरें देखने को मिली जहां पर यह कहा जा रहा था कि बिहार कांस्टेबल भर्ती परीक्षा स्थगित कर दी गई है, जिसके बाद ही कई अभ्यर्थी भी परेशान नजर आ रहे थे और तरह तरह की बातें सोशल मीडिया पर शुरू हो गई थी। जिसके बाद ही केंद्रीय चयन परिषद ने खुद इन खबरों का संज्ञान लिया और इस खबर का खंडन किया है, जिसमें यह कहा गया है कि 27 फरवरी 2022 को होने वाली मध्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग कांस्टेबल भर्ती परीक्षा स्थगित कर दी गई है। सीएसबीसी की माने तो यह खबर पूरी तरीके से असत्य और भ्रामक है कि परीक्षा को टाल दिया गया है। अभ्यर्थी अपने एडमिट कार्ड में दी गई तारीख और समय और स्थान पर परीक्षा देने पहुंचे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि मध्य निषेध सिपाही के 365 पदों के लिए 277,288 अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड पहले ही जारी कर दिया गया है। बालू माफियाओं पर अब पुलिस की होगी नजर।
बालू के अवैध खनन में संलिप्त सरकारी अफसरों पर कार्रवाई के बाद अब पुलिस ठेकेदारों और बड़े माफियाओं पर कार्रवाई करने वाली है। इसको लेकर आर्थिक अपराध इकाई ने सोन नदी से होने वाली अवैध खनन नेटवर्क को लेकर 42 बालू माफियाओं की पहचान की है। ये बालू माफिया 5 जिलों के रहने वाले हैं। इसमें सारण को छोड़कर सभी जिलों से जुड़े हुए हैं, जहां से सोन बहता है। सबसे अधिक 10 माफिया पटना जिले के रहने वाले हैं। वहीं भोजपुर में 9, औरंगाबाद में 6, सारण में 8 और रोहतास के 9 बालू माफिया भी रडार पर आ चुके हैं। सोन नदी के बालू को लूटने वालों में कई दिग्गज भी शामिल है। इसमें पूर्व विधायक तक का नाम भी सुनने में आया है। बिहार विधानसभा में विधायकों के सभी प्रश्नों का जवाब देना अनिवार्य, वरना होगी कार्रवाई। बिहार विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत आज राज्यपाल के अभिभाषण के साथ हो गई है। वहीं बिहार विधानमंडल इस बार काफी ज्यादा हंगामेदार भी होने की उम्मीद जताई जा रही है। इस बीच विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने साफ तौर पर एक निर्देश जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि मुख्य सचिव को हिदायत जारी की जाए, जवाब देने में कोताही बरतने वाले अधिकारियों पर मुख्य सचिव कार्रवाई करेंगे। यह भी सुनिश्चित करें कि सभी सवालों के जवाब समय पर दिए जाए। इसको लेकर उन्होंने शनिवार को विभागों द्वारा प्रतिनियुक्ति नोडल पदाधिकारियों के साथ बैठक करने का निर्देश भी दिया है, जिससे कि पता चल सके कि किस विभाग से कितने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो सके हैं। बिहार सरकार ने किया डॉक्टरों का तबादला। बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश के अलग अलग मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में तैनात डॉक्टरों का तबादला कर दिया है। इसमें सीनियर रेजिडेंट ट्यूटर भी शामिल है। इसको लेकर विभाग ने आदेश भी जारी कर दिया है। इसके साथ ही दूसरी तरफ मुख्यालय में योगदान देकर पद स्थापना की प्रतीक्षा में रहे सामान्य और विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी, जिनका चयन उच्चतर शिक्षा के लिए हुआ है, उन्हें विरमित करने का आदेश भी दिया गया। आदेश के मुताबिक डॉक्टर मधुप्रिया को डीएमसीएच में एसकेएमसीएच में पदस्थापित किया गया है। डॉक्टर स्वाति को एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर से पीएमसीएच पटना भेज दिया गया है। वहीं डॉक्टर सुभाषनी, जो कि पीएमसीएच में पदस्थापित है, उन्हें एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर में भेजा गया है। इसके अलावा एसकेएमसीएच में स्त्री रोग विभाग में पदस्थापित डॉक्टर भारती कुमारी को डीएमसीएच भेजा गया है। साथ ही साथ कई अन्य चिकित्सकों का तबादला भी बीते दिन देखने को मिला। नगर निकाय चुनाव की तैयारी को अंतिम रूप देने में जुटा बिहार निर्वाचन आयोग। बिहार में पंचायत चुनाव के सफलतापूर्वक आयोजन के बाद ही अब बिहार निर्वाचन आयोग नगर निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इसको लेकर अब तैयारियों को भी अंतिम रूप देने की प्रक्रिया जारी है। इसी को लेकर नए गठित वार्डों के प्रारूप का प्रकाशन भी हो चुका है। उम्मीद है कि अब अगले महीने से दावा आपत्तियां लेने का काम शुरू हो सकता है। मार्च तक इस काम को पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद ही अब अप्रैल महीने में चुनाव की तारीख का ऐलान किया जा सकता है। जानकारों की माने तो उम्मीद है कि मई और जून में नगर निकाय चुनाव संपन्न करवाए जा सकते हैं। हालांकि एक बात तो तय है कि 2017 में हुए निकाय चुनाव से बिल्कुल अलग इस बार का चुनाव होगा। जहां पिछली बार सिर्फ वार्ड पार्षदों के लिए शहर के लोगों ने वोट किए थे, वहीं इस बार निगमों में पार्षद, मेयर और डिप्टी मेयर के लिए भी वोटिंग की जाएगी। पटना में आज से फिर से नहीं उठेगा कचरा। राजधानी पटना की सफाई व्यवस्था आज से प्रभावित हो सकती है, क्योंकि पटना में सफाई व्यवस्था का जिम्मा संभालने वाले नगर निगम के चतुर्थ वर्गीय कर्मी आज से हड़ताल पर चले गए हैं। चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी संघ के बैनर तले ही नगर निगम के सफाई कर्मी अपनी पुरानी मांगों को लेकर एक बार फिर से हड़ताल पर जाने का ऐलान कर चुके हैं। हालांकि नगर निगम प्रशासन ने वैकल्पिक व्यवस्था करने का दावा किया है। पटना नगर निगम ने दावा किया है कि डोर टू डोर कचरा वहां अपने समय से कचरा का उठाव करेंगे। इसको लेकर ही हड़ताली कर्मियों को नगर निगम ने कुछ समय पहले ही चेतावनी भी दे दी थी। इसको लेकर निगम प्रशासन ने कहा है कि निगम के 4000 से ज्यादा सफाई कर्मचारी आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहने वाले हैं। ऐसे में सफाई व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। बिहार के विकास को अब मिलेगी गति। बिहार में जल्द ही विकास का काम और ज्यादा विस्तार होने वाला है। इसको लेकर केंद्र सरकार की तरफ से शुरू की गई महत्वाकांक्षी योजना का लाभ बिहार को भी मिलने वाला है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार इस योजना के माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बल मिलेगा। पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत देश में बनने वाले 100 शक्ति कार्गो टर्मिनल में 5 कार्गो टर्मिनल बिहार को देने की मांग उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कर दी है। इसको लेकर मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने गुरुवार को देश के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात भी की और बिहार को कम से कम 5 शक्ति कार्गो टर्मिनल देने की मांग की है। शाहनवाज हुसैन ने मांगों का पत्र खुद रेल मंत्री से मिलकर उन्हें सौंपा है। रेल मंत्री को सौंपी गई चिट्ठी में जिन 5 जगहों पर शक्ति कार्गो टर्मिनल बनाने की मांग की गई है, उसमें कई नाम शामिल है। कोरोना के बाद भी आर्थिक मोर्चे पर बिहार सरकार की बल्ले बल्ले। बिहार सरकार ने कर राजस्व वसूली के मामले में अपना लक्ष्य करीब करीब पूरा कर लिया। सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार सरकार ने यह कारनामा कोरोना की चुनौतियों के बीच किया है। सरकार की तरफ से पेश की गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार मौजूदा वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार ने 35,500 करोड़ रुपए के कुल कर राजस्व का लक्ष्य रखा था। इसमें ही वाणिज्य कर विभाग में 27,050 करोड़ रुपए की वसूली का लक्ष्य दिया गया था। विभाग ने इस दिशा में बेहतरीन उपलब्धि हासिल करते हुए 22 फरवरी तक 24,712 करोड़ रुपए के संग्रहण को पूरा कर लिया है। हेलीकॉप्टर लेकर पहुंचे राजद विधायक।
बिहार विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत जैसे हुई वैसे ही विधायकों का अनोखा अंदाज भी एक के बाद एक नजर आ रहा है। इसी कड़ी में आज राजद के विधायक मुकेश रोशन हेलीकॉप्टर लेकर पहुंच गए। उन्होंने कहा कि हम ये नीतीश कुमार को देने के लिए लेकर आए हैं, ये डबल इंजन वाला हेलीकॉप्टर है, इसमें ही बैठकर नीतीश कुमार शराब ढूंढने का काम करेंगे। युवा रोजगार मांगते हैं तो लाठी मिलती है, उनको नौकरी नहीं दी जा रही है, लेकिन इतना पैसा है कि हेलीकॉप्टर से शराब ढूंढने का काम जरूर करेंगे। इतना ही नहीं, इस दौरान राजद विधायक ने नीतीश सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि नीतीश कुमार को अपनी ही पुलिस पर भरोसा नहीं है। इस दिन से शुरू होगा आईपीएल का 15वां सीजन। आईपीएल 2022 में कुल 70 लीग मुकाबले खेले जाने की उम्मीद अब तक जताई जा रही है। इसके तहत ही मुंबई और पुणे में ज्यादातर मैच होने की संभावना भी जताई गई है। आईपीएल 2022 की शुरुआत को लेकर बीते कई दिनों से काफी चर्चाएं चल रही थी। वहीं बीते दिन जो खबर निकल करके सामने आई है उसके अनुसार इसकी शुरुआत 26 मार्च से होगी। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम, ब्रेबॉर्न स्टेडियम और डीवाई पाटिल स्टेडियम में लीग स्टेज के 70 में से 55 मैच हो सकते हैं। बाकी के 15 मुकाबले MCA इंटरनेशनल स्टेडियम पुणे में कराए जा सकते हैं। लीग के मौजूदा सीजन से 8 की जगह 10 टीम उतर रही है। लखनऊ सुपर जॉइंट्स और गुजरात टाइटंस को पहली बार मौका मिला है। फाइनल मुकाबला 29 मई को खेला जाएगा। क्रिकबज वेबसाइट ने यह रिपोर्ट भी दी है। इसमें कहा गया है कि सभी टीमों को वानखेड़े डीवाई पाटिल स्टेडियम में 4-4 मैच खेलने को मिल सकते हैं। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है गौतम कुमार, कमल मिया, गौतम सिंह, पूनम कुमारी, शाहीन अहमद, परवेज आलम, रंजन कुमार यादव, गजेंद्र सिंह, ममिता कुमारी, राजेश्वर कुमार, शंभु शर्मा, सौरभ मिश्रा, सनी रॉय, अकवाल यादव, रंजीत मिश्रा। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। सवाल की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप रोजगार से जुड़ी खबरों से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो आप हमारे दूसरे YouTube चैनल GOV PVT को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आपके अनुसार 28 फरवरी को पेश होने वाले बजट में किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा राशि जारी किए जाने की जरूरत है? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।